अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डेयरी फार्मिंग एंड होप केयर। आज एक खास इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कटड़ों बछड़ों और जो डेयरी काव्स हैं उनकी डिवर्मिंग किस उम्र में करनी चाहिए और कौन कौन सी गलतियाँ लोग करते हैं जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ जो है वो सही नहीं हो सकती। तो इसके लिए बच्चा जब 1 मंथ का हो जाए, 30 दिन का हो जाए, इस पे हमने बच्चों की डिवर्मिंग करनी है। और हर बच्चे के पेट में कीड़े बन जाते हैं, वर्म्स बन जाते हैं, तो लिहाजा हमने इनकी 1 मंथ की उम्र पे डिवर्मिंग लाजमी करनी है, कुछ भी हो जाए। बच्चों की डिवर्मिंग के लिए आपने अल्बेंडाजोल या लिवामिसोल साल्ट का इस्तेमाल करना है, जिस तरह नीलवर्म है, ICI की। आप कोई भी अच्छी सी कंपनी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डोज़ पूरी रखनी है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप कोई भी जो है कंपनी यूज़ कर सकते हैं, कोई ये प्रमोशन नहीं हो रही। तो आप अगर 8 दिन बाद रिपीट करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, अगर ना भी करें बच्चों में तो कोई नहीं, नॉर्मली ख़त्म हो जाते हैं। कुछ चीज़ें खास तवज्जो की आमिल हैं दवाई पिलाते वक्त। एक तो डोज़ का ख्याल रखना है, दवाई की मकदार जितनी रिकमेंडेड है उस हिसाब से पिलाएं। अगर ज़्यादा होगी तो बच्चे को डायरिया लग जाएगा, और अगर कम होगी तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और दवाई पिलाते वक्त बड़े प्यार से जानवर को पकड़ना है एहतियात से, और ऐसा ऐसा पिलानी है ड्रिंचिंग गन से या सरिंज से भी बड़े प्यार से आप पिला सकते हैं। इसकी उम्र कितनी है और इसको कितने सीसी आप दवाई पिला रहे हैं? इसका जी वज़न है 60 kg और इसको हम दवाई पिला रहे हैं, 60 से 65 kg होगा और 20 ml हम इसको दवाई पिलाने लगे हैं, तो एज सच हम इसको पिलाएंगे, कोई डाइल्यूशन नहीं किया हमने।